नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आज से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जी हाँ, आज सुबह 10 बजे से एडमिशन शुरू हो जाएंगे और ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कई स्नातक यूजी पाठ्यक्रमों के लिए पहली कट ऑफ भी जारी कर दी थी 1 अक्टूबर को। बता दें, जो छात्र DU में प्रवेश लेने के लिए पात्र और इच्छुक हैं वो आधिकारिक वेबसाइट DU.ac.in से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ऐसे में छात्र कॉलेज के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और DU प्रवेश 2021 की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। वहीं बता दें, DU की पहली कट ऑफ सूची 2021 के अनुसार पंजीकरण पूरा करने के लिए अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तक रखी गई है। यानी कि जो पहली कट ऑफ में बच्चे होंगे उनको 7 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि एडमिशन करने की क्या क्या कुछ प्रक्रिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। क्लास 10 और क्लास 12 की मार्कशीट और कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र, कक्षा 12वीं का अंतिम प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, OBC प्रमाण पत्र, प्रवास प्रमाण पत्र, सनातन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट आकार के फोटो भी आपको जमा करने होंगे एडमिशन के लिए। वहीं प्रवेश के लिए पंजीकरण लिंक व्यक्तिगत संबंध कॉलेज की वेबसाइटों पर 4 अक्टूबर यानी कि आज सुबह 10 बजे से 6 अक्टूबर की रात 11:55 तक उपलब्ध रहेगा। वहीं आपको बता दें कि आवेदन 7 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे और ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की दूसरी और तीसरी कट ऑफ लिस्ट 9 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी। यानी कि फर्स्ट कट ऑफ जारी कर दी गई है और उसके बाद जो बच्चे इस फर्स्ट कट ऑफ में फिट बैठते हैं आज से 7 तारीख तक का उनके पास समय है एडमिशन लेने के लिए। जायडस कैडिला ने अपनी 3 डोज वाली कोरोना रोधी वैक्सीन जायकोव डी की कीमत 1900 रुपए प्रस्तावित किया है। कीमत कम करने के लिए सरकार और कंपनी के बीच अभी बातचीत चल रही है और इसी हफ्ते अंतिम फैसला होने की उम्मीद भी है। ये वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। ऐसे में सरकार ने गुरुवार को कहा था कि दुनिया की पहली DNA आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन को जल्द ही टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। 3 डोज की इस वैक्सीन को देने के लिए सुई की जरूरत नहीं होगी। दवा नियामक से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने सभी को हर समय 3 डोज वैक्सीन की कीमत 1900 रुपए प्रस्तावित की है और कीमत कम करने के लिए बातचीत चल रही है। वहीं कंपनी से वैक्सीन की कीमत को लेकर सभी पहलुओं पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है। ऐसे में सरकार और कंपनी के बीच इसको लेकर 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। दूसरे सूत्रों ने बताया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में जायकोव डी की कीमत कुछ अलग इसलिए भी है क्योंकि इसे लगाने के लिए सुई रहित जेट इंजेक्टर की जरूरत होगी, जिससे की कीमत लगभग 30,000 रुपए है और इस जेट इंजेक्टर के करीब 20,000 डोज लगाई जा सकती हैं। दिल्ली मेट्रो के इतिहास में पहली बार एकीकृत फ्लाईओवर सह मेट्रो वायर डक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। जी हां, यह स्ट्रक्चर पूर्वोत्तर दिल्ली में सूर घाट के पास फेज 4 के मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर पर लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप है, जहां रोड फ्लाईओवर के साथ ही मेट्रो वायाडक्ट भी रखे जाएंगे। यानी कि पोर्टल के एक तरफ मेट्रो वायाडक्ट रखे जाएंगे तो इनकी दूसरी तरफ का एक हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होगा। वहीं लोक निर्माण विभाग का ये फ्लाईओवर और वाहनों के लिए अंडरपास वजीराबाद फ्लाईओवर और DND के निकट रिंग रोड के बीच यमुना नदी के साथ साथ रिंग रोड के समांतर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का हिस्सा होगा और अपने तरह के पहले इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में एकीकृत पोर्टलों का निर्माण किया जाएगा और जिन पर रोड फ्लाईओवर के साथ साथ मेट्रो वायाडक्ट भी रखे जाएंगे। ऐसे में पोर्टल के एक तरफ मेट्रो वायाडक्ट रखे जाएंगे तो इनके दूसरी ओर का हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग फ्लाईओवर के इस्तेमाल किया जाएगा। इन पोर्टलों और रोड फ्लाईओवर और मेट्रो वायाडक्ट टिके होंगे जो 400 किलोमीटर की दूरी तक एक दूसरे के समांतर चलेंगे और उस दिन औसतन
26 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचाई वाले कुल 21 पोर्टलों का निर्माण किया जाएगा और इसके अतिरिक्त इन पोर्टलों के नीचे वाहनों के लिए अंडरपास का निर्माण भी किया जाएगा जो आउटर रिंग रोड की ओर से आने वाले वाहनों की आवाजाही की पूर्ति करेगा। विश्व बैंक ने सलाह दी है कि देश को स्कूलों को खोलने के पहले व्यापक टीकाकरण करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं कि बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका कम है। वहीं विश्व बैंक के शिक्षा टीम ने दुनिया भर के उन देशों के अनुभव के आधार पर एक नीतिगत नोट तैयार किया है जहां स्कूल फिर से खोले जा चुके हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि एहतियात के साथ स्कूल खोलने से छात्रों, कर्मचारियों, समाज में संक्रमण फैलने का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि महामारी की चपेट में आने के एक साल बाद वायरस और बीमारी दोनों के बारे में अब पर्याप्त जानकारी है और इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव को कम करने के बारे में भी पर्याप्त जानकारी है। ऐसे में स्कूल बंद करना आखिरी उपायों में शामिल होना चाहिए और टीका विकसित होने से पहले फिर से स्कूल खोलने के लिए देशों के अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्कूल खोलने के लिए व्यापक टीकाकरण की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा छात्रों के स्कूल लौटने से उनका डर भी दूर होगा। नोट में यह भी कहा गया है कि स्कूलों को बंद रखना बीमारी का खतरा तो घटाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और मानसिक और स्वास्थ्य और विकास के खतरे में उन्हें डालता है। ऐसे में स्कूल फिर से खोलने का फैसला इन्हें खोलने और बंद रखने के बीच के नफा नुकसान की तुलना कर लिया जाना चाहिए। बहरहाल अब तक के अनुभव से यही सामने आया है कि स्कूल बंद रखना ज्यादा नुकसानदेह है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 80% स्कूल अब चालू हैं और इनमें से 54% में छात्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी हो रहे हैं, जबकि 34% मिश्रित तरीके से चल रहे हैं, जबकि 10% सिर्फ दुरुस्त शिक्षण के लिए खुले हुए हैं। वहीं सितंबर महीने में कई दिनों की बारिश के बाद अब एक बार फिर से दिल्ली में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। आज दिल्ली एनसीआर में मौसम अच्छा बना रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के सामान्य तापमान से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि मलप्पुरम जिलों के लिए 5 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मौसम विभाग की माने तो केरल तट के आसपास दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर चक्रवाती परिचरण की स्थिति बनी हुई है और इस वजह से अगले 48 घंटों में पूर्वी मध्य और आसपास के उत्तर पूर्वी अरब सागर के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक केरल के कई हिस्सों में 4 से 6 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है, जबकि मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सक्रिय है और इस वजह से कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है। आईपीएल 2021 में रविवार को डबल हेडर मुकाबला हुआ और कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में केकेआर की जीत हुई। रविवार शाम को खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 115 रन बनाए थे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को भी इस स्कोर को पाने में मशक्कत करनी पड़ी। कोलकाता ने आखिरी ओवर में जीत हासिल की और 6 विकेट से हैदराबाद को हरा दिया। इसी के साथ इसके अब 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, जिसके साथ उसे
के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा बची हुई हैं। सिर्फ 116 रन बनाने के लिए उतरी कोलकाता की टीम ने शुरू में ही झटका लगा दिया था, लेकिन शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने 57 रन बनाए जिसमें उन्होंने 10 चौके मारे। शुभमन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला और ऐसे में शुभमन गिल के अलावा राहुल त्रिपाठी और अंत में दिनेश कार्तिक ने रन स्कोर पर अपनी टीम को जीत दिलाई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम की बैटिंग पूरी तरह से फेल रही। हैदराबाद के ओपनर्स सस्ते में ही वापस लौट गए थे और ऐसे में जिसके बाद कप्तान केन विलियम्स को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो रनआउट हो गए और कप्तान के वापस लौटने के बाद जो भी बल्लेबाज वहां पहुंचा उसे सिर्फ अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन कोई बड़ा स्कोर वो नहीं बना पाया। देश की राजधानी में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान लागू करने जा रही है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में कोरोना और प्रदूषण के डबल अटैक से बचने के उपाय पर पर्यावरण एक्सपर्ट और स्वास्थ्य एक्सपर्ट ने तरीके भी बताए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के साथ मिलकर प्रदूषण एक खतरनाक कॉकटेल बना सकता है, लेकिन आज हम आपको उससे बचने के लिए उपाय बताएंगे। देखिए, दिल्ली में कोरोना और आने वाले दिनों में प्रदूषण का डबल अटैक लोगों पड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या कुछ करना है ये अब हम आपको बताएंगे। कोरोना और प्रदूषण से बचने का सबसे जरूरी उपाय मास्क ही है, क्योंकि इसके डबल फायदे हैं। लोगों को अच्छे गुणवत्ता वाले मास्क पहनना चाहिए और अगर प्रदूषण से बचना है तो N95 मास्क पहन सकते हैं आप, लेकिन अच्छी बात यह है कि यही मास्क कोरोना से भी आपको बचाएगा। वही त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में भीड़ हो रही है और अगर संभव हो तो भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वायरल फीवर भी बहुत फैलता है। अहम बात यह है कि वायरल फीवर, कोरोना वायरस और प्रदूषण तीनों ही लंग्स पर अटैक करते हैं, इसलिए भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और घर पर रहने की कोशिश करें। और घर पर अगर बच्चे और बुजुर्ग हैं तो खास तौर पर प्रदूषण स्तर की जांच लगातार करते रहे। अगर बच्चे खेलने जाना चाहते हैं या बुजुर्ग पार्क में वॉक करना चाहते हैं तो जिस दिन प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो उस दिन आउटडोर एक्टिविटी से हम सबको बचना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में हवा की गति धीमी हो जाती है और हवा प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में प्रदूषण में एक बड़ा रोल प्राइवेट वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण का भी होता है। ऐसे में जब कोरोना से हालात बेहतर हैं तो कोविड नियमों का पालन करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए और प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए। साथ ही इसके अलावा सर्दियों के मौसम में पेड़ और पत्ते या लकड़ियां जलाने से भी बचना चाहिए। साथ ही घर के आसपास निर्माण कार्य चल रहा है तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगहों पर भी धूल और प्रदूषण होता है। तो ये वो तमाम बातें हैं जिससे आने वाले दिनों में आप सभी को बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना तो दिल्ली में है ही, उसके बाद अब प्रदूषण भी शुरू होने वाला है, क्योंकि इस मौसम में और दिवाली के आसपास प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकलेंगे और दिल्ली में रहते हैं तो इन सभी बातों को जरूर फॉलो करें। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अभियान चलाकर जनता तक 4 योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी। इसके तहत महिला कल्याण विभाग 3 महीने में 6 विशेष कैंप लगाने जा रहा है, जिसके चलते अक्टूबर में 2 और नवंबर या दिसंबर में 2 विशेष कैंप लगाए जाएंगे। अभियान के तहत सभी जिलों में पहले कैंप का आयोजन 12 अक्टूबर को और दूसरे कैंप का आयोजन 16 अक्टूबर को किया जाना निश्चित किया गया है और इसी तरह 12 और 15 नवंबर और 8 और 22 दिसंबर को भी कैंप लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी। और बता दें कि इन कैंपों में आवेदन भरवाने से लेकर खाते में पैसे ट्रांसफर करने तक के पूरे काम करवाए जाएंगे। मुख्य तौर पर इन कैंपों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से वांछित लोगों तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कैंप के दौरान GPO और अन्य वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहेंगे।
2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने एजेंडा पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ के गांधी भवन सभाकर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आम पार्टियों से अलग हटकर शिक्षा के लिए आवाज उठाना था। और इस दौरान आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो प्रदेश के बजट का 25% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा और सरकारी स्कूलों को उच्च कोटि का बनाया जाएगा ताकि प्राइवेट संस्थान बच्चों का शोषण न कर सकें। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा को मजबूत करना सबसे बड़ी जरूरत है। बता दें कि इस सम्मेलन के दौरान आपके कई वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। जनता का पैसा राजा का पैसा नहीं है, जनता का पैसा जनता के कर द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा है खजाने में और वो जनता के लिए उपयोग में होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में पहली आम आदमी की सरकार अगर किसी ने दी तो चाणक्य ने दी अपनी राजनीति के माध्यम से। उन्होंने निरंकुश सत्ता के खिलाफ संघर्ष करके अपने किसी परिवार अपने किसी जाति के व्यक्ति को हिंदुस्तान का सम्राट नहीं बनाया बल्कि एक संदेश दिया पूरी दुनिया को समाज को कि अत्याचार के खिलाफ लड़कर किसी सामान्य व्यक्ति को भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। दुर्भाग्य से आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो प्रतिशोध की राजनीति पर चल रही है, वो जातीय बंटवारे और धार्मिक बंटवारे की राजनीति पर चल रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा और सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि इससे लोगों को जनपद स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही जनपद के बाहर के लोग भी अगर इस सांसद महाकुंभ खेल में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती में 13 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। उसकी तैयारी के दृष्टि से और उसकी जानकारी के दृष्टि से आज आप सबके बीच में मैं बैठा था। निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ के माध्यम से बस्ती के खिलाड़ियों को बस्ती के नौजवानों को हमारी बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको एक अच्छा प्लेटफार्म देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इस अपेक्षा के साथ कर रहे हैं कि बस्ती में जो खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ से निकलेंगे उनको प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का अवसर मिले, इस प्रकार का हम लोग प्रयास भी करेंगे, इस प्रकार का उनको अवसर दिलवाने के लिए। क्या रूपरेखा तैयार की गई है अभी शुरुआती तौर? मैंने कहा कि 13 को उद्घाटन होगा और 20 तारीख को पुरस्कार वितरण और समापन होगा। इस दौरान प्रतिदिन खेल आयोजित किए जाएंगे, पूरा टाइम टेबल इसका आगे हम लोग जब बैठेंगे तो जारी करेंगे। कौन लोग और कहाँ से आवेदन कर सकते हैं खिलाड़ी? आवेदन बस्ती के लोग भी कर सकते हैं और बस्ती के बाहर के लोग ऑनलाइन इसका आवेदन होगा और ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन 11 से 21 तक यहाँ पर ऑडिटोरियम अरे स्टेडियम में वहाँ पर एक ऑफिस बनाई जाएगी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और ऑनलाइन भी हम उसी तारीख से शुरू करेंगे, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। क्या राजनीतिक मंच भी इस पे सजेगा या फिर सिर्फ खिलाड़ियों के लिए? नहीं, खिलाड़ियों के लिए है और कोई राजनीतिक मंच इसमें राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। सांसद खेल महाकुंभ इसका नाम रखा गया है और एक सांसद केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सांसद होता है। इस नाते हमने ये आयोजन किया है और इसमें सभी समाज के लोग और उस कार्यक्रम में मैं सभी दलों के लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम को देखने के लिए।
हाथरस के बहुचर्चित बिटिया कांड को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी राजनीति तय करने पर जुटे हुए हैं। इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल का 5 सदस्यीय डेलीगेशन अपने समर्थकों के साथ पीड़िता के गांव पहुंचा और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर पीड़ित परिवार का हाल चाल जाना। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री ने आवास और नौकरी देने की घोषणा की थी, पर आज तक वो नहीं मिल पाई। इसके साथ ही सभी नेताओं ने सरकार से जल्द पीड़ित परिवार से किया हुआ वादा पूरा करने की मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। बता दें कि पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों को जन विरोधी बता रहे हैं, साथ ही जनता से कांग्रेस को 2022 विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेसियों ने डोईवाला क्षेत्र के प्रवर्तीय गाँव के में जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे और सरकार बनने का पर विकास कराने का वादा भी किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा विभिन्न जो बहुत ही दुरुस्त गांव है वहां पर जाकर रात को हमारे नेता रुक रहे हैं, गांव वालों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उसका संज्ञान लेते हुए उनको ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी जो बहुत ही गंभीर समस्या से इस प्रदेश के पहाड़ के जो लोग जूझ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान कांग्रेस करेगी। और साथ के साथ हम कांग्रेस का प्रचार भी कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे भी गांव-गांव जाकर लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो सोच है और आइडियोलॉजी है उसके बारे में बता रहे हैं। और इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ ना जाए, छोटी छोटी टोलियाँ बनाकर हम जगह जगह गाँव-गाँव में जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जब हम गांव में गए जिस तरह का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला बहुत खुशी हुई हमें देख के, और जिस तरह की नाराजगी इस भाजपा की झूठी सरकार के खिलाफ है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 में इसका रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। देहरादून में विधानसभा चुनाव जैसे ही उत्तराखंड में नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस लगातार कर रही है और ऐसे में लोगों के बीच जाकर गांव-गांव जाकर चुनाव में वोट देने की लोगों से अपील कर रही है। ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने से कांग्रेस नाराज है। कार्यकर्ताओं ने रेल विकास निगम के खिलाफ ढालवाला और 82 क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। वहीं 4 अक्टूबर यानी कि आज उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पास एकत्रित हो गए और कार्यकर्ताओं ने रेल विकास निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकार के इशारे पर बाहरी लोगों को काम देकर उत्तराखंड के निवासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। इसीलिए 4 अगस्त यानी कि आज कांग्रेस बड़े स्तर पर रेल विकास निगम के अधिकारियों का खिलाफ और उग्र आंदोलन करेगी और चुनाव के समय सरकार को इनके इस आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।